तुम्हारी वजह से ही तो मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। चलो एटलीस्ट तुम्हें ये तो याद है। अब जब तुम अपनी जिंदगी में वापस आ ही गए हो तो क्यों ना इस जिंदगी का आगाज हम दोनों एक साथ करें। नेक्स्ट वीक शादी कर ले। सलाह देख, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? बट क्या बट? आई मीन तुम इतना क्यों सोच रहे हो इस फैसले को लेके? किस बात में उलझे हो तुम? जोया, कब तक यूं कमरे में बंद बैठी सोग मनाती रहोगी बेटा? बस गुजरी बातों को रोने का क्या फायदा? तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरा गुजरा हुआ कल एक भयानक ख्वाब था, मैं उसे भूलना चाहती हूँ अब। हाँ तो फिर उठो, तैयार हो, कहीं बाहर जाओ, दोस्तों में मिलो, बल्कि ऐसा करो कि वो अरीज को बुला लो, तुम्हें अच्छा लगता है ना उसका साथ। वो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जुनैद के बारे में। जुनैद से बात हुई थी तुम्हारी? क्या क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ पहले। हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, खुश रहो, दोस्तों में मिलो और तुम्हारा ध्यान बटे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी गलतियों और नाइंसाफियों का इजाला कैसे करूं। दरअसल मैं तुम्हें अपने माजी की तलखियों से बचाना चाहती थी। ये मालूम नहीं हुआ मुझे कि तुम्हें सजा देकर मैं खुद गुनहगार हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझसे बार बार माफ़ी मांग के मुझे गुनहगार मत करें। ये सब जो कुछ भी हुआ ये तकदीर में लिखा था। हाँ, इसमें क्या शक है कि हम इंसानों की तकदीरें अल्लाह ताला आसमानों पे बनाता है, मगर जब हम उन्हें जमीन पर बैठकर बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर गुनहगार हो जाते हैं। मैं तुम्हारी खतावार हूं, मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस थोड़ा सेटल हो जाऊं। इस बात के अलावा और कोई बात तो नहीं है? या आई एम श्योर कि और बात नहीं है। जुनैद, तुम एक फेमस सिंगर थे, हो और रहोगे हमेशा। हाँ सना, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन तुम जानती हो, बाकी सब भी जानते हैं कि मैंने काम छोड़ दिया था एंड आई गॉट बैक। कई ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे सहारे की वजह से ऐसा हुआ, यू नो वो ये सच है। देखो जुनैद, आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, आई नो कि जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है और अब मैं खुद तुम्हारी होना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। बुरी तरह फंसा दिया आपने मुझे, लेकिन अब आप फंस गए। अम्मा नहीं, ये क्या? ये देखो। तू मैंने देख अरे मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं।
जोया जा रही। तो अच्छा हुआ तुम कमरे से बाहर निकली, वरना मेरा ख्याल था कमरे में बंद रहोगी। बाबा मैं जुनेद से मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बेटा, मुझे तो तुम पे भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा रखो। जोया मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ आके खेलते हैं। चलो ठीक है, चलो। हाय, आओ जोया, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। हाय, कैसी हो रे? आई एम गुड, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आओ बैठो। श्योर। कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब मीट सनम, शी इज फ्रेंड। Friend? Sir, friend? A very special friend. Mrs. Zoya, मैं बहुत खुश हूँ तुम हमारे साथ हो। अब तुम्हें एक नया मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने का। मैं यहाँ इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। वैसे मुझे अकेले आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे इनके दोस्तों को भी साथ लाना चाहिए था। देखा जुनेद, मुझे क्या कहती हो? You're so lucky to have such good friends. तो मजा आता होगा ना तुम लोगों को यहाँ पे, तुम, फसी, जोया, अरीज, क्या कंपनी होती होगी। Yes. दोस्ती अच्छी थी हमारी। Oh, please. अब कोई मुझे बोर ना करे। आप ये बताएं कि आपका कॉन्सर्ट कब है भाई? एक कॉन्सर्ट आ रहा है बहुत जल्द। Really? Yeah. हम दोनों ने आना है। तो यार मैं तो पासेस पिछवा दूं। Don't know that. Nice. What do you guys want to have? Menu? Wow, Zoya, इस पिक्चर में तुम कितनी प्यारी लग रही हो जुनेद के साथ। ये देखो। क्या बात है जोया, जुनेद से मिली हो तो बहुत चुप चुप हो गई हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा ऐसा सोच रही हो। अच्छा ठीक है, मुझे तो लग रहा है। अब अगर तुम बताना नहीं चाह रही हो तो वो अलग बात है। मैंने कहा ना, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जुनेद ने मेरी वजह से बहुत मुश्किलें फेस की हैं। कम ऑन जोया, तुम्हें पता है तुम जुनेद के दिल के बहुत करीब, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां तुम्हें थी ना, उससे कहीं ज्यादा जुनेद को थी। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। जानती हूँ, वो भी हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और है। बहुत अच्छी है सना, बहुत अपनाइयत से मिली मुझसे, अच्छी लड़की है वो। देखो ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक तरफा प्यार हो, सिर्फ सना ही जुनेद को पसंद करती हो। और ये भी तो हो सकता है कि जुनेद भी उसे पसंद करता हो। इस बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं जुनेद से पता कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम उससे कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि मैं पुरानी बातों को दोबारा दोहराऊँ। अपना तमाशा नहीं बनने दूंगी मैं अब। प्लीज़ होया, आप तुम और जुनेद अब मैच्योर हो, तुम लोग अपने फैसले खुद कर सकते हो। नहीं यार, मैं नहीं चाहती अब जुनेद मेरी वजह से किसी और मुश्किल में पड़े। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश ही रहने दो। जुनेद का फ़ोन है। सोया, क्या हम मुझे मिलना है तुमसे? सो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मैं आ जाऊँगी। ओके देन, मैं वेट करूँगा। बाय। देखा मैंने क्या कहा था कि वो फिर से अपने दिल की बात कह देगा। अरे जैसी कोई बात नहीं, और प्लीज़ उसके सामने भी तुम ऐसी कोई बात मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी। वैसे कब जा रही हो? तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, अकेले नहीं जाऊँगी। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो नहीं जा रही। क्यों नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो।
से गुजर रहा था, सोचा जोया को देख लूं, कुछ अजीब ख्यालात और बहम आ रहे थे, लेकिन वो सो रही है। हाँ शुक्र है, हमारी जोया बहुत बहादुर बच्ची है, बहुत साबिर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आओ ऊपर चले। सुने आप मुझे माफ कर दें, मैं आपकी गुनहगार हूं, मैंने धोखा दिया आपको, मैं कसूरवार हूं आपकी, मुझे माफ कर दें। अपने साथ किया हुआ धोखा तो मैं 20 साल पहले तुम्हें माफ कर चुका हूं, लेकिन जोया के साथ की गई नाइंसाफी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जुनेद, माइयों में मुझे बैठना था, तुमने अपना ये हाल क्यों किया हुआ है? मतलब व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं हुआ, और मुझे कुछ नहीं हुआ शायद यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। एनीवेज देखो हमारी शादी का कार्ड छप के आ गया, देखो ना, सो प्रिटी राइट। और एक सेकेंड, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारे दोस्तों का कोई अता पता ही नहीं है, आई मीन उनको बुलाना है या नहीं बुलाना है? क्या हो गया है, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है, ये उदासी? Listen, listen, listen to this. Take it off, okay? Step out of it. The card's very good. I'm just a little lazy, इसलिए शेव नहीं किया, पर जिस दिन शादी होगी शेव करके आऊंगा मैं, don't worry. Okay. I know, तुम्हें चीयर अप कैसे करना है? कैसे? जोया, मेरा मतलब जोया को फोन कर लो, दोस्तों से मिलोगे तो अच्छा लगेगा, मूड भी सेट हो जाएगा, और वैसे भी उसे इनविटेशन देना है। क्यों? क्या, मैं उसे फोन कर लूंगा, तुम बताओ तुम्हारी खुशियां कैसी जा रही हैं? मेरी तो खुशियां बिल्कुल सेट चल रही हैं, सिवाय तुम्हारे, तुम एक डिप्रेस्ड हो मेरी लाइफ में। डिप्रेस नहीं हूँ मैं, आई एम जस्ट अ लिटिल ऑफ, विल आई बी ओके? चाय बनाती हूँ, चाय पियोगे? हाँ चाय पिलाती हूँ। अच्छा से मुझे गाना सुनाओ, ठीक है? या वैसे अच्छा किया तुमने अरीफ कि तुम इसके साथ ही आ गए, वरना हम लोग को तुम्हारे घर आना पड़ता। मेरे घर? हाँ, शादी का जो कार्ड देना था, हम लोग शादी कर रहे हैं ना। तुम लोगों को लाजमी आना होगा, क्योंकि तुम दोनों ही हो जो इसकी साइड से आओगे। आओगे ना? हाँ जरूर आएंगे, तुमने बुलाया है तो अब जरूर आना पड़ेगा।
ठीक है फिर जल्दी आ जाना बाकी गेस्ट्स के आने से पहले। कार्ड जो देना है शादी का, हमने शादी जो कर रहे हैं। तुम लोगों को लाजमी आना होगा क्योंकि तुम दोनों ही हो जो इसकी साइड से आओगे। आओगे ना? पता नहीं यार, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम शादी करके अपनी लाइफ में सेट हो जाओगे। सना बहुत अच्छी लड़की है, पता है तुम एक कामयाब जिंदगी गुजारोगे दोनों। पर पता है क्या, मुझे सब में ना सना और उसकी खुशी तो दिखाई दे रही है, पर खुद का हूं मैं महसूस नहीं कर पा रहा। खुल कर कहो क्या परेशानी है। तेरे सामने जोया का नाम लेता हूँ तो एकदम चढ़ने लगता है तू, और मेरी जिंदगी का सच ये है कि मेरे दिल को सुकून सिर्फ जोया के नाम से ही मिलता है। अरे तो इस बात में जोया कहाँ से बीच में आ गई? अब उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, मेरा गुस्सा बहुत कम है अब भी उसके लिए। जोया बीच में नहीं है पर हर जगह है वो, और यही सच है कि मेरे दिल को चैन सिर्फ जोया के नाम से ही मिलता है। देखो मैं नहीं जानता कि तुम जोया के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि पहले तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो। अब तो सब ठीक है ना, वो अपने घर पर है, महफूज हाथों में, तुम्हें भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना तुझे, जोया के बगैर मेरा वजूद नामुकम्मल लगता है मुझे। अच्छा मुझे उसकी खामोशी भी अच्छी लगती है। कल मिले थे हम और एक लफ्ज नहीं बोल पा रही थी, पर मैं उसके अल्फाज महसूस कर सकता था। ओ भाई मजनू की औलाद, निकला पराई मोहब्बत से। मैं तुझे सना के साथ बेवफाई करने नहीं दूंगा। सना को मैं भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, जानता हूं मैं, उसने मुझे सहारा तब दिया था जब टूट के बिखर गया था मैं। तो उसका एहसान याद रखना और सिर्फ उससे शादी का सोच। देख जुनैद, तुझसे ज्यादा बेवफाई का दुख कौन समझता। देख वो बहुत अच्छी लड़की, उसके साथ बेवफाई मत कर। अच्छा सुनो, शादी का सारा अरेंजमेंट हो चुका है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और अपना मूड अच्छा करो, और ये उदासी का कॉस्ट्यूम निकाल के फेंको और जाकर तैयार हो। शाबाश, जल्दी से उठो। अरे उठो, कम ऑन यार। चाहे किसी और लड़की से भी शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। मुझे ना देखना तुम दूल्हा बनके कैसे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितनी सेल्फिश हो तुम, सिर्फ अपनी परवाह है तुम्हें, मेरी कोई परवाह नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी ये बातें मुझे कितनी तकलीफ देती हैं। आई प्रॉमिस, शादी करूंगा ना तो सिर्फ तुमसे, कभी किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अच्छा कहीं जा रहे हो बेटा? जी वो जुनैद के आने की खुशी में सारे दोस्तों ने पार्टी रखी है, वहीं पे जा रही हूँ। हाँ बेटा जरूर जाओ, मैं मोइज़ से कह दूंगा, वो तुम्हें वापसी में ले जाएगा। सुने आपने जोया से जुनैद के बारे में कुछ बात करनी थी ना?
जोया बेटा, मैं तुम्हारा बाबा भी हूं और दोस्त भी हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो। अगर तुम्हें जुनैद प्रपोज करे ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का कहा मानना और वो करना जो तुम्हारा दिल के, ठीक? जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। थैंक यू आंटी। अच्छा लग रहा है ना? अभी इसके दोस्त भी आने, अब तक नहीं कब आएंगे। एक्चुअली आ गए। कैसी हो जोया? ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाय अरीज। हाय मम्मा, ये अरीज है और ये जोया है, जुनैद की बेस्ट फ्रेंड। तामिकम। अच्छा सना, तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक जोया, आज तुम मुझे तैयार करोगी। ऊपर मेरा वेडिंग ड्रेस पड़ा है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जुनैद को क्या पसंद है। ओ हेलो मिस्टर, क्या सोच रहे हो? कब तैयार हो गए? चलो शाबाश, जल्दी से उठो। उठो, शाबाश। मैं जब भी जुनैद से पूछती हूँ कि वो मुझे किस तरह के, किस कलर के कपड़ों में देखना चाहता है, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बल्कि जब भी उससे पूछो तो हाँ ठीक लग रही हो, हाँ सही लग रही हो करके टाल देता है। कभी कभार तो लगता है कि वो दिल से तारीफ ही नहीं करता। हाँ लेकिन जोया की बहुत तारीफ करता है। जोया तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उसकी आइडियल हो। आज तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दो। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह लगना चाहती हूँ। ये मेरा शादी का सूट है, बहुत अच्छा है। लहंगा इसके साथ। जोया तुम ये पहन के मुझे दिखाओ। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारी शादी का जोड़ा है। जोया तुमने कहा था तुम मुझे हेल्प करोगी तैयार होने। नहीं यार, मैं नहीं पहन सकूंगी। क्यों नहीं पहन सकती? तुम पहनोगी, अगर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा तभी मैं पहनूंगी। तो बस तुम्हारे जैसा लगना चाहती हूँ मैं। अंदर इसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी पड़ी और मेकअप भी पड़ा है मेरा। अच्छे से तैयार होकर मुझे बताओ कैसी लगती हो। जल्दी कर दे, सारे मेहमान आ चुके हैं और निकल का टाइम हो गया। चलिए मुझे नहीं पहननी है शेरवानी। मोटे खुद हो गए हो और गुस्सा इस शेरवानी पे। ठीक है, ठीक मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पागल हो गए हो क्या? मैं निकल पे पोच है, इस पोच के साथ मैं शेरी से शादी नहीं कर सकता। तो जाओ, जाकर ये बोझ हल्का कर लो और शरीर से शादी कर लो। सही करने जा रहा हूं मैं, शरीर को सब कुछ बता दूंगा। व्हाटएवर आई हैव इन माय हार्ट, जो भी दिमाग में है सब कुछ, फिर देखते हैं। सना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज यार मेरी तरफ टर्न मत करना। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है मेरी। सना तुम अच्छी लगती हो मुझे, इन फैक्ट यू माय बेस्ट फ्रेंड। तुमने तब मुझे संभाला जब बिल्कुल अकेला हो गया था, सहारा दिया मुझे।
And I really appreciate it for that. Or thank you. कि तुमने इतना किया. पर तुम सिर्फ दोस्त हो. प्यार में आज भी सोया से ही करता हूँ. पहला प्यार है. हर किसी के भुला नहीं पाया. सनम मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस शादी से इनकार कर दो. प्लीज. मुझे बहुत इंतजार था. तुम ये सब खुल के मुझसे कहो. शुक्र है गलत फहमी के तहत ही ने सच तो कहा. तुम कैसे दोस्त हो? तुम कैसे समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ सकूंगी? हर अनकही बात सब जानती हूँ. तुम्हारी आंखों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश की ना, सिर्फ सोया को पाया मैंने. तुम मुझे तो बहुत पहले पता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ जोया से ही शादी करोगे. सॉरी रिग्रेट्स खत्म करो. मैं हमेशा से तुम्हारी दोस्त थी हूं और हमेशा रहूंगी. इसको लेके नीचे आ जाओ. तुम दोनों का निकाह है. सब लोग इंतजार कर रहे हैं. सॉरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं आप? दो नफिल अदा कर रहा था. मुझे लगता है कि आज जोया को मेरी दुआ की जरूरत है. खालदा तुम आओ. माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है. तुम भी उसके लिए दुआ करो. मैं किस मुंह से दुआ मांगू उसके लिए? मैंने तो हमेशा छीना है उसका सब कुछ. समझ में नहीं आता कि खुदा का सामना कैसे करोगी. खालदा खुदा बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है. बख्शिश के लिए तो निदामत का एक आंसू काफी.
हाँ लेकिन मेरे बस में तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वरना तो मैं सोया के लिए सारे जमाने की खुशियां समेट लेती। बेबस की आग से टपकने वाला एक आंसू कई इबादतों पर फौकियत रखता है। दुआ करो उसके लिए। कुछ तो बोलो यार। हाँ ही बोलो। खुला नहीं जा रहा। सोया, क्या तुम मुझसे शादी करो? अरे प्लीज यार एक बार हाँ कह दो, कब से वेट कर रहा हूँ। अब समझा मैं, जोया बेबी अपने मम्मी पापा से पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो अपनी शादी के लिए हाँ कैसे कर देगी? ठीक है, तुम घर फोन करो और घर वालों से पूछो कि वो एक म्यूजिशियन उनकी बेटी का हाथ मांग रहा है, कोई एतराज तो नहीं होना। बाबा, बाबा जुनैद ने मुझे प्रपोज किया है, मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं जुनैद के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। आपकी इजाजत हो तो? हाँ जोया, तुम जुनैद से शादी कर सकती हो। अम्मा, हमें ये रिश्ता खुशी से कबूल है। उन्होंने तो मना कर दिया। What? सही सच्ची बोलो प्लीज। हाँ? रिली? माफ कर दे मालिक, माफ कर दे मालिक। इस्तग़फ़ार कबूल कर ले मालिक, मेरी गलती माफ कर दे। परवरदिगार मेरी बच्ची को खुशियाँ दे, मेरी खताएं माफ कर दे मालिक, मेरी बच्ची को खुशियाँ दे दे मालिक। परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मालिक, माफ कर दे मालिक, माफ।